शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में हमारा विषय है अपने जन्मदिन पर आने का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अभी जन्मदिन यानी आप लोगों का बर्थडे है और अपने फ्रेंड को आप इनवाइट कर रहे हैं बर्थडे में आने के लिए। तो ये बहुत ही कॉमन होता है लेटर राइटिंग और एग्जाम में भी आता है ज़्यादातर। तो आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरह से आप लोगों को लिखना होता है यह लेटर। ओके, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिनांक, डेट। 17 मई 2019 इन्होंने लिखा हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से डेट डालिएगा। नाम विमल पवार, जो भी आपके दोस्त का नाम है आप वो डालिए। अगर है ना एग्जाम में उन लोगों ने नेम एड्रेस मेंशन नहीं किया है तो आप लोग अपने मन से ही अपने दोस्त का नेम एड्रेस लिख सकते हैं। ओके, फिर देखो बाद में, देखो 17 मई के बाद क्वामा है 2019, विमल पवार के बाद है, नेम के बाद क्वामा है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, 5 मार्क का होगा लेटर राइटिंग आप लोगों को एग्जाम में। शाहपुरी क्वामा कोल्हापुर 416001 के बाद फुल स्टॉप है। हिंदी है तो दंडी देते हैं हिंदी में, डॉट मत देना, मराठी में डॉट देते हैं। ओके, और हिंदी में इस तरह से दंडी देते हैं, बहुत सारे बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनके मार्क्स जाते हैं इस वजह से, आधा मार्क कट गया समझो, एक भी गलती की तुम लोगों ने तो गए आधे मार्क्स तुम लोगों के, लैंग्वेज है ना ये। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिखना है। अभी है ना क्या होता है, किसी किसी स्कूल्स में उन लोगों का फॉर्मेट थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, तो वो जरा तुम लोग देख लेना। नॉर्मली ऐसा ही होता है, बहुत रेयर ऐसे होता है किसी स्कूल में कि फॉर्मेट उनका थोड़ा सा अलग होता है। ओके, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो मुझे पता चलता है। अभी प्रिय मित्र विमल, सप्रेम नमस्कार, अभी ये विमल लड़के का भी नाम होता है भाई, लड़की का भी नाम होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मित्र लिखा हुआ है ना, तो विमल ये लड़का है। ओके, सप्रेम नमस्कार के बाद फुल स्टॉप, प्रिय मित्र विमल के बाद है क्वामा, सप्रेम नमस्कार के बाद है फुल स्टॉप। तुमने मुझे वादा किया था कि महीने में कम से कम एक पत्र मुझे अवश्य लिखोगे। अब ये दोस्तों की आपस में की बातें हैं। तुमने मुझे वादा किया था कि महीने में कम से कम एक पत्र मुझे अवश्य लिखोगे, परंतु अपना वचन पूरा नहीं किया। अभी वो कंप्लेन कर रहे, तुम मुझे लेटर नहीं लिख रहे हो। इधर 2 महीने से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया है। खैर मीन्स ओके, अभी क्या कर सकते हैं ना, हो सकता है कि तुम किसी आवश्यक काम में व्यस्त हो, व्यस्त यानी बिजी, हो सकता है कि तुम किसी काम में बहुत बिजी हो, इस वजह से तुम मुझे लेटर नहीं लिख पाते हो। अभी तुम लोग कैसे बोलोगे कि अरे अभी तो क्या लेटर लिखने की ज़रूरत है, मोबाइल है ना ऐसे। लेकिन है ना कुछ लोग है ना ऐसे विलिंगली करते हैं, एक दूसरे को लेटर लिखते हैं। व्यस्त हो, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, तुम्हारा हेल्थ तो अच्छा है ना ऐसे, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है देखो यहाँ पे। यह जानकर तुम्हें खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन 15/6/2019 शुक्रवार को है। आपका जो भी डेट लिखना है आप लोग लिखेगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी धूमधाम से जन्मदिन मनाऊंगा। इस मौके पर पिताजी ने चाय पानी और संगीत पार्टी का आयोजन किया हुआ है, तो उनके पापा ने पार्टी रखी हुई है। मैंने तुम्हारे सिवा दूसरे मित्रों को भी आने के लिए निमंत्रण भेजे है। तुम्हें तो मैं इनवाइट कर ही रहा हूँ, लेकिन जो भी दूसरे फ्रेंड्स हैं ना हमारे और भी, सबको मैंने इनवाइट किया हुआ है। तुम्हें अपने पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा। अभी जो भी ओल्ड फ्रेंड्स हैं ना तुम्हारे, तो मेरे बर्थडे में आओगे तो तुम्हें सारे पुराने फ्रेंड्स मिलेंगे, इसलिए यह पत्र निमंत्रण पत्र समझो। तो इस लेटर को इन्विटेशन लेटर समझना तुम। आशा है कि तुम अवश्य आओगे, आशा है, आई होप तुम अवश्य आओगे, तुम जरूर आओगे। मेरी ओर से माता पिता को सादर प्रणाम। तो उसके मम्मी पापा जो है उन्हें उसने प्रणाम कहा है, फिर फुल स्टॉप दिया है। तुम्हारा मित्र के बाद है क्वामा, रमेश जोशी के बाद क्वामा, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। बैक साइड में ये कंटिन्यू हुआ है DVZ, जो भी एड्रेस लिखना है तुम लोग लिख सकते हैं। 68, अभी DVZ में कैसे फुल स्टॉप दिया है देखो इन लोगों ने, फिर 68 के बाद क्वामा, गांधीधाम क्वामा, ने तो एक एड्रेस है ना फिक्स करके रखने का, अगर कोई एड्रेस नहीं दिया रहेगा ना तो वही एड्रेस लिख देने का। फिर कच्छ, उसका पिन कोड के बाद फुल स्टॉप और नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओके, तो यही फॉर्मेट होगा तुम्हारा लेटर राइटिंग का। ओके, तो है ना अभी आसान ये लेटर लिखना तुम लोगों के लिए, और एक बार या दो बार लेटर लिख के निकालो तुम लोग,
ओके ठीक है, तो लिखोगे ना तो तुम लोगों को कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा और फिर तुम लोग कोई भी लेटर आए ना तुम लोग लिख सकते हो। ओके तो इस तरह से अपना ये लेटर राइटिंग हो गया कंप्लीट। तो ऑल द बेस्ट तुम लोगों को एंड बाय बाय।